अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज गई हुई थी, वैक्सीनेशन डे था, आज आना था। वैक्सीनेटर भाई ने तो टीके लगवाए बच्चों को हफाज दी, और वापसी पे मैं आते आते मैंगो का मैंने कर लिया रेट भाई सब्जी वाले से, तो वो उन्होंने कर लिया रेट। मैंने तो बस वैसे ही कहा इतने के लगा ले, मैंने 5 किलो लेने, मैं बाजी चलो ठीक है हूँ लगो तुसी। तो ये मैं 5 किलो मैंगो लेके आई थी। मैंने कहा बच्चे रोज़ाना ही कहते हैं मम्मा मैंगो लेके आए, मैंगो लेके आए हमने खाने हैं। तो फिर मैं ना आते आते ये मैंगो जामुन दाल और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर वगैरह ये मैं लेके आई थी। आते ही मैंने इनको वाश किया अच्छी तरह से, वाश करके मैंने सबको रख दिया फ्रीज़र में। मैंने कहा जब तक खाना तैयार होगा तो ये भी ठंडे हो जाएंगे। इतने मज़े के मीठे मैंगो मिले ना आज कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पिछली दफ़ा हम लोग लेके आए थे 5 किलो रात के टाइम गए लेने, तो वो उन्होंने पता नहीं कोई फजरी आम थे वो दे दिए, तो उनकी गुटलियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी थी। बच्चे खाएं भी और गुटली फ्रिज में जमा करते गए, और 3-4-5 गुटलियाँ मैंने एक दिन में खाई। मैंने कहा भाई पैसे लगे हुए हैं ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने साथ ही चने की दाल और मसूर की दाल भी ले ली थी। आते ही मैंने इसको भी साफ़ सुथरा करके भिगो दिया। मैंने कहा उतनी बनानी है जो हमारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि दाल पड़ी रहे तो फिर कोई खाता नहीं है, तो मैं फिर वैसे ही उसको गिराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल धो के रख दी थी पहले ही, और ये देखे मैंने मसाला वगैरह डाल के इसको लगा देना है वेट। पहले मैंने चने की दाल को लगाना है वेट, बाद में मसूर की डालूंगी। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी ना मसूर की, तो 1 मिनट में हो जाती है वेट लगाने से। यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, और साथ साथ ये देखे सब्ज़ मिर्चे टमाटर और धनिया जो है ना इसको मैंने वाश कर लिया था, और बाकी मसाले जो तड़का लगाना था वो मैंने चीज़ें निकाल ली थी। मैंने कहा बोल निकाल के तो बाहर बैठ के बनाऊँगी। आज मैंने इतना वर्क अच्छा किया ना कि मुझे आज शाबाश मिली थी। इतना प्यारा सारा, वो आए थे ऑफिस से काम चेक करने, और मैंने वैक्सीनेशन के कार्ड उनको सारे इकट्ठे करके जमा करके दिए। उन्होंने देखा साइन किए और शाबाश दे के गए। वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आज मेरा काम जो है ना वो अच्छे से चेक हुआ, और ये है कि वो शाबाश मिली है। उन्होंने मेरे साथ तस्वीर बनाई और सारा उन्होंने डाटा ऑफिस भेजा लिख लिख के कि ये सारा काम इनका क्लियर है। मौसम बाहर बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। मैंने कहा चले ये जो प्याज लहसुन वगैरह मैंने तड़का लगाना बाहर बैठ के बनाती हूँ। बाहर बारिश आई थी तो फिर रुक गई थी, थोड़ी सी आई थी बस। ये मैं जब तड़का बना रही थी तब आंधी चल रही थी, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। जब मैं बाहर थी ना तभी ये मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। मैंने ना आखिरी कार्ड जो चेक किया, मैंने कहा जल्दी जल्दी अब छुट्टी कर लूँ, ये ना बारिश स्टार्ट हो जाए। और रास्ते में हमारी गली में इतना पानी खड़ा हो जाता है ना, फिर आया ही नहीं जाता, 10 मिनट के अंदर गली भर जाती है। और फातिमा ने आज नया सूट पहना हुआ था, ये देखें आपके सामने आई है। तो लहसुन कहती मैंने करना है, मैंने कहा आ जाओ करना है तो बैठ जाओ, तो शर्ट जो है ना मुंह में डाली हुई थी। यहाँ पे मेरी दाल भी दूसरी गल गई थी, और ये मसूर की दाल मैंने अब धो के ना इसको, ये मैंने खुद से क्लिप बनाया था, पता नहीं क्या मसला लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं ना थोड़ा सा खुद ही बनाती हूँ ये क्लिप जो मैंने बनाया है। चने की दाल जो है ना वो हमारी गल चुकी थी। तो मैं आपको बता रही थी कि आज का वर्क मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और इतनी खुशी हुई कि जब कोई अफसर शाबाश दे के जाता है ना तो बंदा फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये आजकल इतनी सख्ती हमारे ऊपर की हुई ना गवर्नमेंट ने, डिलीवरीज देनी है, फैमिली प्लानिंग देना है, सी वो ऑपरेशन केस देना है जो बच्चे बंद का होता है, तो पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, हमें तो याद ही नहीं रहता कि अब हमने करना क्या है। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि हम लोग उनको करके ही देते हैं, और हमारी फिर मंथली रिपोर्ट होती है, उसमें उन्होंने सारा कुछ चेक करना होता है कि इन्होंने इस महीने में क्या कारकर्दगी की है। वो मंथली रिपोर्ट हमारी एक सफ़े पे बनती है, वो ऑफिस जाती है और उसके ऊपर फिर हमारी सैलरी जो है ना वो बनती है। सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया तो मुझे उसी टाइम फ़ोन आ गया था कि आज वैक्सीनेशन करनी है तो आप बाजी आ जाएं। तो मैंने कहा चलें भाई आप आ जाएं, मैं आ रही हूँ। ये मेरे बर्तन वैसे ही सुबह के पड़े हुए थे बर्तन, फिर मैंने आके साथ साथ हांडी रखी और साथ साथ मैंने बर्तन वाश किए। ये है कि मेरा रोज़ाना का काम होता है फील्ड का, मैं रोज़ाना जब जाती हूँ ना तो फिर जो काम रह जाते ना वो आके मैं करती हूँ, साथ वीडियो बनती है और साथ ही मेरे जो है ना काम घर के वो हो जाते हैं। तो ये डेली बेस पे मैंने जाना होता है, 3-4 घंटे का जो मेरा काम है वो मैंने करके आना है, तो फिर मुझे सुकून रहता है, फिर मैंने कहीं नहीं जाना होता, फिर मैंने अपने घर ही रहना है। तो यहाँ पे देखें जी सब्ज़ धनिया कितना प्यारा है, मैं ये भी लेके आई थी आज। उन्होंने ना ये फ्री में दिया था धनिया, पहले तो वो भाई 20 रुपये का देते हैं, आज तो मैंने उससे 1000 के ऊपर कोई चीज़ें ली हैं, आम वगैरह जामुन सारा मसाला मसूला, तो उसने धनिया फिर वैसे ही दे दिया। ये देखें यहाँ पे दाल मैंने दूसरी डालनी है, तो इसको मैं खोल रही हूँ कुकर को खोल के, तो साफ़ियाँ यहीं पड़ी होती हैं। जब मैंने बताया ना वीडियो बननी होती है तो कभी बर्तन गिर जाता है हाथ से, कभी साफ़ी नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। रोटियाँ फिर मैंने बाहर बनाई थी सारी, बैठ के तवा रख लिया था और बनाती गई, और साथ साथ देसी घी लगा के चौपड़ के सारी
रख दी गई। ये देखें दाल हमारी चने की गल गई, थोड़ी सी कसर रह गई थी, मैंने कहा ये मसूर की दाल जब डालनी है तो ये भी रेडी हो जानी है। तो आज काम इतना अच्छा रहा ना, तो आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, मैंने आते ही बच्चों को बताया, मैंने कहा आज आए थे डॉक्टर साहब चेकिंग के लिए तो मेरा काम ठीक था, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। वैसे जब मुझे फ़ोन आया ना कि बाजी फील्ड में डॉक्टर साहब आए हुए हैं तो उन्होंने कार्ड चेक करने हैं, मेरे तो हाथ पाँव जो है ना फूलने शुरू हो गए। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है ठीक है, आप ना मैं 4 नंबर गली में हूँ, आप आ जाएँ पीछे। वो आ गए मेरे पीछे ही आके उन्होंने, तो मुझे ये भी फिक्र होती कि घर जाके मैंने खाना बनाना है, मेरा डेली ताज़ा खाना बनता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि रात को बनाया था तो दोपहर में खा ले। काम भी करती हूँ और साथ बच्चों को और घर को भी देखती हूँ और साथ चैनल को भी देखती हूँ। ये है कि फिर मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ, बेशक दाल बनाऊँ आलू बनाऊँ जो भी बनाऊँ, लेकिन मैंने बनाने ताज़े ही हैं। रात में कोई सालन नहीं बनाया था, फिर मैंने सोचा आइडिया लगाया, मैंने कहा मैंने बाहर तो नहीं जाना, मैंने ना बच्चों से पूछा, मैंने कहा दूध पड़ा हुआ चाय और पराठा बना दूँ, कह रहे मम्मा बना दें। फिर मैंने सब बच्चों को चाय और पराठा बना के दिया, बाल वाले पराठे, तो बच्चों ने शौक से खा लिया और मेरे लिए कोई चीज़ ना बची। और आज मैं अचार भी लेके आई, मैंने कहा ये कभी सालन वगैरह ना हो ना तो अचार भी खाया जाता है, तो ये मैं लेके आई। बच्चों ने दाल के साथ बड़ा ही शौक से मज़े से खाया अचार, और माशाल्लाह मुझे तो लगता पता नहीं एक टाइम है इन्होंने खा लेना था। ये भी देखें ये अचार मिक्स था, मेरे जहन में ही आया जब मैंने संभाल लिया, मैंने कहा दाल के साथ बहुत मज़े का लगता है, ये वाला नेशनल का अचार लेके जाती हूँ। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है मैं डलवाऊँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं चीज़ें खुद ला के दें डाल हम देंगे, तो मुझे नहीं पता कितनी कितनी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने बात करनी है कि अगर कोई डाल दे पैसे ले ले चीज़ें भी ले खुद, और सारा कुछ बाल्टियाँ वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं, तेल मैं खुद ले लूँगी, साथ ही चक्की के ऊपर तेल होता है तो वो मेरे ख्याल 500 रुपये किलो है, जितना वो कहेंगी वो तेल ले दूँगी तो 4 पड़ जाएगा। वैसे काला हो जाता जब मैं डलवाऊँ ना तो 4 काला हो जाता, इस वजह से मैं डलवा नहीं रही। तो यहाँ पे हमारी यम्मी सी दाल हो गई थी तैयार, अब मैंने जब ऊपर फेंकना है धनिया सब्ज़, तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी दाल कि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाई है। आधा धनिया डालूँगी आधा रख लूँगी, मैंने ना गोश्त रखा हुआ है अपने लिए तो मैंने कहा था उसके ऊपर धनिया डाल के बनाऊंगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं बनता कुछ भी, बस ये कि मैंने कहा हांडी ये बन गई।